हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डॉक्टर सौरभ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनको गर्भावस्था रहती है, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, उल्टियां आने लगती हैं, जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। यह समस्या हर महिलाओं को नहीं होती है, कुछ महिलाओं को होती है बट कम होती है, कि किसी किसी महिलाओं को बहुत अधिक मात्रा में उनको जी मिचलाने की समस्या हो सकती है, उल्टियां बार बार आने लगती हैं। दोस्तों, तब उनको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, ऐसी रामबाण मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए जिससे कि उनको गर्भवती महिलाओं को कभी भी उल्टी की समस्या ना हो, गर्भावस्था में उनको कभी उल्टी ना हो और प्रेगनेंसी उनकी अच्छी तरह से रहे, तब उनको बेस्ट मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके बारे में आज आपको बताएंगे और आपको बताएंगे इस मेडिसिन को किस तरह यूज़ करना चाहिए। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ। दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी उनको रहती है, गर्भावस्था के समय उनको जी मिचलाने की समस्या हो सकती है, जी मिचलाने लगता है और बहुत अधिक मात्रा में उनको उल्टियां भी हो सकती हैं। किसी किसी महिलाओं को कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है, किसी किसी महिलाओं को नहीं हो सकती, बट कभी कभी देखा जाता है कि अधिकतर % महिलाओं को कहीं ना कहीं वोमिटिंग की समस्या रहती है। दोस्तों, कुछ महिलाएँ अगर वोमिटिंग की समस्या से बहुत अधिक परेशान रहती हैं, गर्भावस्था के समय जी मिचलाने की समस्या अक्सर उनको रहती है, पेट की समस्या उनको हो सकती है, कब्ज रहने की समस्या की वजह से उनको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, बहुत अधिक थकावट महसूस करने लगती हैं महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, उनका मुंह कड़वा रहने की समस्या उनको हो सकती है, मुंह में पानी भर आता है। दोस्तों, जी मिचलाने लगता है, खाना खाने की अरुचि रहती है, किसी भी खाने को खाने से मना कर देती है और किसी भी जब कुछ भी गति करती हैं तो उनका रोग बढ़ जाया करता है, थकावट महसूस रहने लगती है, वे बोलती हैं कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, कब्ज हो सकता है। अगर गर्भवती महिलाओं को कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तब भी उनको बेस्ट मेडिसिन लेनी चाहिए। सिम्फोरी कार्पस रेसिमोसा 200 लेने से उनकी वोमिटिंग की समस्या उनकी ख़त्म हो जाया करती है, समाप्त हो जाती है, कब्ज दूर हो जाता है, मुंह कड़वा जो रहता है वह भी ठीक हो जाता है, मुंह में पानी भर आने की समस्या भी ठीक हो जाती है, थकावट कमजोरी उनकी सब ठीक हो जाती है। दोस्तों, शरीर जो गिरा गिरा रहता है वह भी ठीक हो जाया करता है, जब उनको खाना खाने से अरुचि रहती है यह समस्या भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, रामबाण मेडिसिन है, अगर किसी भी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर अगर वोमिटिंग की समस्या रहती है, उल्टी हो जाने की समस्या रहती है, सिम्फोरी कार्पस 200 इस्तेमाल करने से 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% श्योर है, नो साइड इफेक्ट, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, प्रेगनेंसी आपकी सेफ रहती है, इस मेडिसिन को इस्तेमाल जरूर करें, वोमिटिंग से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सिम्फोरी कार्पस या फिर अदर किसी भी मेडिसिन की और अधिक जानकारी चाहिए, तब आप हमारी वेबसाइट pariupchar.com पर देख सकते हैं, आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।